नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। चीनी उप प्रधानमंत्री हानचंग ने दावोस विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आर्थिक वैश्वीकरण इतिहास का रुझान है। सामाजिक उत्पादक शक्ति के विकास की वस्तुगत मांग और तकनीकी प्रगति का अपरिहार्य परिणाम भी है। दक्षिण एशियाई मामलों के लिए अमेरिका के मुख्य राजनयिक एलिस वेल्स ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों की फिर से आलोचना की है। उन्होंने इस्लामाबाद से इस परियोजना से जुड़ने पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। भारत ने मलेशिया से आयात होने वाले पाम तेल के अलावा माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर पार्ट्स के आयात पर भी अब रोक लगा दी है। आपको बता दें कि मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद कश्मीर मुद्दे और सीएए को लेकर भारत की तीखी आलोचना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएए और अब हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखा जा रहा है। उन्होंने सीएए के समर्थन में आयोजित एक सभा में कहा कि जो मुस्लिम भारत का है उसे कोई मां का लाल छू नहीं पाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि रावी नदी पर बन रहे बैराज की परियोजना पूरे होने के बाद एक बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का जो पानी है वो भारत में ही इस्तेमाल होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और ब्राजील के बीच तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। साथ ही बता दें कि ब्राजील भारत में अन्वेषण और उत्पादन पहल में सहयोग स्थापित करने और क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर काम करेंगे। चालू रबी सीजन में प्याज की पैदावार को बढ़ने के मद्देनजर केंद्र सरकार इसके निर्यात पर सुधार करने पर विचार कर रही है। प्याज की घरेलू आवक बढ़ने से इस महीने दाम में नरमी आई है, जिसके बाद प्याज के निर्यात से प्रतिबंध हटाने पर विचार किया जा रहा है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी की वृद्धि पर 5.5% रहेगी। वित्त वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के विकास दर की तुलना में एजेंसी का अनुमान थोड़ा ज्यादा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया और कहा, बोस के कहने पर लाखों भारतीय स्वतंत्रता में कूद पड़े और अपना सब कुछ त्याग दिया। बहादुरी और अमिट योगदान के लिए देश उनका सदा आभारी रहेगा। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बिहार के कोसी क्षेत्र में अब ग्रीन गोल्ड कहे जाने वाले बांस की खेती होगी। इसके लिए वन प्रमंडल सहरसा ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि सहरसा बांस पौधशाला में 16,000 पौधे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि वे सीएए पर हर मंच पर बहस के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि 21 जनवरी को अमित शाह ने लखनऊ में विपक्ष के सभी नेताओं को सीएए पर बहस को लेकर ऐलान किया था। गुजरात के सावली से बीजेपी के विधायक केतन भाई ईमानदार ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि केतन ने इस्तीफे के लिए रूपाणी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हमारी बात इस सरकार में नहीं सुनी जाती। टेस्ला बाजार पूंजीकरण के मामले में जर्मन कंपनी फॉक्सवैगन ग्रुप को पछाड़कर दूसरी सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी बन गई है। बता दें कि टेस्ला का बाजार मूल्यांकन $106 अरब था, जो कि फॉक्सवैगन से $7 अरब अधिक है। फॉक्सवैगन ने पिछले साल लगभग 1.1 करोड़ वाहन बेचे, जो टेस्ला द्वारा बेची गई 367,500 कारों की तुलना में 30 गुना अधिक है। वाराणसी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश में पहला मंदिर बनाया गया है। वरुणापार के सुभाष भवन में बने इस मंदिर का उद्घाटन नेताजी की 123वीं जयंती के मौके पर आज किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि मंदिर के पुजारी दलित रणधीर कुमार होंगे। छोटे व्यापारियों के लिए 5 करोड़ रुपए या उससे कम के सालाना व्यापार में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख 4 दिन और बढ़ाने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वह अपने राज्य की सीमा से लगते दिल्ली के 17 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि खट्टर सरकार की दिल्ली अभियान की शुरुआत 27 जनवरी से होगी। इसरो एक और अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार है। इस बार इसरो ने ह्यूमनाइड मानव की तरह रोबोट तैयार किया, जिसका नाम व्योम मित्र दिया गया है। इसरो मानव रहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान के तहत इसे अंतरिक्ष में भेजेगा। ये रोबोट अंतरिक्ष में इंसान की तरह जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट इसरो को भेजेगा। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि बागों में बहार है, साहेब बेकरार है, झूठ बेशुमार है, क्योंकि देश के हर कोने में अब शाहीन बाग तैयार है।
उन्होंने सीएए पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि अंग्रेज भी कहते थे कितना भी अपमान कर लो हम वापस नहीं जाएंगे, फिर क्या हुआ याद है कि भूल गए। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने पीएम मोदी को उनका नाम लेने पर धन्यवाद दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान कुंबले का उदाहरण दिया था जिसमें वो जबड़े में चोट के बाद भी गेंदबाजी करने उतरे थे। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अगर पीएम मोदी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के काम से खुश नहीं है तो उनकी जगह किसी योग्य शख्स को देनी चाहिए। केंद्रीय बजट की बैठकों से वित्त मंत्री को दूर रखना सरकार की छवि के लिए अच्छा नहीं है। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।